इंडिया में केंद्र सरकार ले लो चाहे राज्य सरकारें ले लो, सभी ने बेरोजगारी भत्ता यहां पर शुरू कर दिया है अपने अपने स्टेट्स में, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार में, क्योंकि दोस्तों इस समय केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। दोनों अलग अलग बेनिफिट्स लोगों को देने में लगे हुए हैं। जहाँ पर किसानों के कर्ज माफी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, वहीं पर बेरोजगारी भत्ता 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं सभी राज्यों के लिए। तो भारी संख्या में लोग इस तरह जो है बेरोजगारी भत्ता का आवेदन कर रहे हैं। तो कैसे आपको बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करना है, कैसे आप इसके लिए आवेदन ले सकते हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा या कोई भी स्टेट, सभी में अब आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, उस सभी की यहां पर बात करेंगे। साथ ही आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस वेबसाइट का लिंक भी यहां पर आपको देंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें आपको क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले नीचे लाल बटन पर जाकर, और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर ले ताकि डेली बेसिस पर लेटेस्ट अपडेट सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और जितने भी रोजगार रिलेटेड न्यूज आते हैं सभी यहां पर हम आपको देते रहे। और बेरोजगारी भत्ता एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा अवसर सभी बेरोजगार युवकों के लिए, यहां पर 3500 रुपए प्रति माह जिसमें सरकार आपको देगी, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं। तो कैसे, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं कि कैसे इसके लिए आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों बेरोजगारी भत्ता 2019 ऑनलाइन आवेदन, बेरोजगारी भत्ता योजना 2019 के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, यहां पर नीचे की तरफ मैं आकर देखता हूं। 2019 इलेक्शन के बीच सरकार एक नई योजना लेकर आ गई है सभी बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत व्याकुल है और किसानों के कर्ज माफी के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए जरूरी हो चुका है। सभी बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने नई योजना चलाई है जिसका नाम है बेरोजगारी भत्ता। इस बेरोजगारी भत्ता के तहत सभी बेरोजगार युवकों को 3500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को सरकारी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह योजना सिर्फ उन्हीं युवाओं के लिए है जो बेरोजगार हैं या पढ़ाई के बाद अपनी जो है नौकरी शुरू नहीं कर पाए हैं। 3500 रुपए प्रति माह देने का अनुरोध है, लेकिन इससे सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। इस योजना का लाभ उन बेरोजगार लोगों को भी मिलेगा जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं आगे एलिजिबिलिटी, बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता क्या है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और उसके साथ साथ ग्रेजुएट, अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी है तो वो बहुत अच्छा यहां पर है। आवेदक की जो सालाना आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से कम की यहां पर आय होनी चाहिए। जरूरी कागजात क्या है, बेरोजगारी भत्ता में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदन करने के लिए वोटर कार्ड भी होना चाहिए, आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदनकर्ता के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप बनवा सकते हैं अगर आपके पास ईमेल आईडी अभी नहीं है। बेरोजगारी का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दे दी है जहाँ पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पर जाकर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपी, राजस्थान और कुछ दूसरे स्टेट्स में ये योजना अभी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं अगर चाहें तो, और वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बेरोजगारी भत्ता के लिए कर सकते हैं।